शिवराज सिंह चौहान हर लाडली के मन में छाए हुए थे। सारी लाडलियों ने वोट शिवराज सिंह चौहान को किया है, बहुत बड़ा मार्जिन। टीवी के हनुमान विक्रम मस्ताल को फेल कर दिया है जनता ने अपने रिपोर्ट कार्ड में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के रिपोर्ट कार्ड पर खरे उतरे हैं, पास हो गए हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी जीत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी सीट से, और हनुमान जी का आशीर्वाद मिला है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। क्या ये मान लिया जाए कि बुधनी की जनता ने एक बार फिर से केवल विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुना है? मुख्यमंत्री का चेहरा फिलहाल बीजेपी में घोषित नहीं है, कमल खिल रहा है अभी तक कहा जा सकता है, और उस खिले कमल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत भारी मतों के साथ अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 150 का आंकड़ा पार करती बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस सिमट चुकी है। 2018 के चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का फेलुअर होना, फिर बीजेपी का सत्ता में आना, और फिर अब 2023 में एक ऐसा परिणाम जनता ने दिया है जिसमें ना किसी को बिकना है ना कोई खरीदा जाएगा। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, जो होगा वो बस मन का होगा। उस मन पर जनता ने अपनी मुहर लगा दी है, और क्लीन स्वीप के साथ आप बीजेपी कम बैक कर रही है। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने एक और बार बता दिया है कि जन जन के दिल पर वो बैठे हैं, और न सिर्फ बुधनी बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में उनका जम रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के रिपोर्ट कार्ड पर पास हो चुके हैं। हम लगातार आपको जनता का रिजल्ट दिखा रहे हैं। आप जुड़े रहिए दखल के साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।